को लोगों ने यूज करना शुरू करा था काम में पहले, और घर में एक प्रॉब्लम थी मेरी बेटी को फाइबर, और डॉक्टर्स ने उसको बोला था कि 5 साल की एज तक वो सही हो जाए, कि जो फाइबर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सही, ऐसा मुझे बताया। हम लोग जब कभी प्रॉब्लम होती थी तो डॉक्टर दिला देते इलाज करता था, 5 साल की एज पे आ जाते हैं वो प्रॉब्लम और सीवियर होती है, और डॉक्टर ने बोला उसको इनहेलर यूज करना पड़ेगा। मैंने कहा इनहेलर तो हम यूज नहीं करेंगे, उसमें अपना केंद्र मंगाने पता था उसके ऊपर, उसको देख के आया प्रोडक्ट, और करीब 8 महीने में उसका प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो गया। आज वो उससे प्रोडक्ट को यूज़ करती है फॉर रिमेनिंग हेल्दी। और एक प्रॉब्लम मेरे वक्त भी होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि लाइफ लॉन्ग रहता है, सही होता तो कोई क्योर नहीं है, वो तो मेरा एट दी एज ऑफ 40-42 परमानेंटली क्योर हुआ है, और अब मुझे कोई टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं है, एकदम एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, और बहुत बहुत बिजी रहता हूँ। उसके बाद भी मैं DSM को भी टाइम देता हूँ, अपना जॉब में भी टाइम देता हूँ, और अच्छे से लाइफ को जी रहे। प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला तो लोगों को बताना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पैसा आना शुरू हुआ तो और इंटरेस्ट पैदा होगा, और आज मैं आप मेंटेन कर रहा हूँ तो उसमें काफ़ी बड़ा योगदान हमारे लिए सुनता है। अदरवाइज ले तो पहले ही सकते थे, बट जब DSM से इनकम आनी शुरू हुई तब हिम्मत हुई कि अब हम कार मेंटेन कर सकते हैं। मैं इनकी बैठक को बुलाना चाहता हूँ, जोरदार तालियां दीपावली के लिए। एंड तो
प्रोडक्ट किसी ने इंट्रोड्यूस किया ये खाओ, और प्रोडक्ट डिस्काउंट में मिलता है किसी और ने इंट्रोड्यूस किया कि ये तेरे घर पे कैसे रखा गया कैसे मिलते हैं, मैंने कैसे लगे डिस्काउंट मिले वो डिस्काउंट में देते रहे आप उस प्रोडक्ट को फ्री में कैसे खाना है इसका सही वर्मा जी को याद है क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं पीछे पॉइंट वगैरह शो होते हैं तो उन्होंने कहा यहाँ से ये प्रोडक्ट जाते हैं नहीं आ रहे इसको पता करो कौन को पता करते मेरे पास है वर्मा जी ने मुझे बताया कि भाई ये प्रोडक्ट पहले तो हम ही आते तुम्हारे यहाँ कमाते ना सर प्रॉब्लम थी इसलिए खाता था प्रॉब्लम सॉल्व है इसलिए थोड़ा कम खाता हूँ पूरी तरह से नहीं छोड़ता कि उनको मैंने ये बोल दिया कि मैं आप नहीं खाता ताकि उसका थोड़ी टालने वाली बात थी मुझे नहीं पता था मैं टालना था अपने भविष्य डाल करने वाले तो उन्होंने बोला कि नहीं अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो क्या तुम्हारा ऐसी किसी प्रॉब्लम में आ गए तो क्या करोगे परेशानी झेली है वो झेलना चाहोगे मैंने वो नहीं झेलना चाहूंगा तो कह रहे मेरे काम करो इसको पर डे जितना तुम कंज्यूम कर सकते हो तुम अफोर्ड कर सकते हो उतना से पर डे खा लो मैंने सर खा तुमने इन पोस्ट किया कह रहे इन्होंने धर्मा जी ने फिर मुझे बताया अच्छा धर्मा जी के लिए एक धर्मा था नहीं बताया होगा तो शायद मैं अभी जैसे मैं तो 25 लगभग 24 साल तक मेरा पासपोर्ट पड़ा रहा बन गया और वो कहीं यूज नहीं हुआ एक्सपायर हो गया घर में काम पड़ा रहा और अब एक समय फटाफट 8 महीने में पासपोर्ट भी बनवा दिया और विदेश भी बनवा दिया और कहीं ना कहीं मेरे बनवा दी में जाता है इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मेरे को आज कुछ नहीं पता था इन्होंने मुझे ढूंढ के बोला कि दोबारा ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो बात मुझे समझ नहीं आई क्योंकि 9 साल मुझे फेस करी तो मुझे बताया मैंने कितना क्या कैसे नहीं दिए तो मैंने कहा कि नहीं सर दोबारा भेजना करना पड़ेगा सब ठीक है तो मगर महंगा उन्होंने बोला कि काम करो कि 3 घंटे तो आओगे मैंने मजा कर रहे हो मैंने सर फ्री में मिलेगा तो भाभी को हंसते हुए बोला अगर उन्हें मैंने मिलेगा कैसे बताओ तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ चलना पड़ेगा मैं वहाँ से बता मैं ठीक है तो मेरा पाले ऑफिस में सबने मान लिया कि मीटिंग समाज देख सकता बात कुछ कुछ मैंने ठीक है सर तो वो जो उसने मेरे को प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करवा के दिलाया था उस आई डी पर ही अपना धीरे काम होना स्टार्ट हो गया मैनेजमेंट जैसे वहाँ मैंने सुना कुछ मैंने देखो घर पर लाया गया प्रोडक्ट शेयर करो जितनी प्रोडक्ट की मूवमेंट होगी पार्टी लगी पार्टी लगी इससे तो बढ़ेगा नहीं एक दिन ये पैसे इतने आइए एकदम फ्री बताओ सर वो इतने आने लगे वो कह रहे हैं कि आंटी जी रिकॉर्ड चला रहा हूँ टूथपेस्ट मेरा फ्री हो गया मुझे ये तो फ्री हो गया सही में और मेरे को एक अन्य भावना क्या थी कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है ये किसी को भी हो सकती है तो मीटिंग में आओ जाओ सर आपको ध्यान की जानकारी रहती है करके किसी को देख के मेरी माँ बाप बच्चे भाई मिल गया करवा रहे समझ में आ गया पॉल्यूशन वॉल्यूशन सब कुछ नहीं पता समझ में आ गया तो मैंने किया इनको खाने को मेरे को फ्री मिलेगा मैं लाइफ के कोई फ्री में खिला दूँ तो पैसे रखूँगा नहीं मैं तो कुछ लोगों को साथ में सपोर्ट में दिया चले डॉक्टर बनने वाले इस तरीके से सरकार जी देख करवा जैसे कई लोग जैसे आई जाते हैं नेटवर्क में और ऐसे करते करते पैसे के आने लगे हैं 20,000 के आसपास अमीर बोनस आया था अपना एक छोटा जनरल स्टोर है वो भी चलाता रहता हूँ साथ में ये काम भी करता रहता हूँ और उसी में अपना फैमिली घर बार गाड़ी सब मेंटेन कर पा रहा हूँ और मतलब 1 लाख रुपये महीने से पहले तो बिल्कुल रुकना नहीं है बिल्कुल अपने ले जाने बच्चों को लेके जाने क्योंकि शादी के बाद एक ही बार बस वो जो हनीमून पे चले गए तो चले गए उसके बाद पहली बार गए तो भाई सोचा था तो बड़ा अच्छा हर साल हुआ जब कुछ भी करने वाला हर साल हुआ आज तक ये कितने साल हो शादी को 18 साल हो और अब लेकिन वजह यह समझ गया कि वो जो सपना सोचा था कि हर साल किसी मामल को नहीं कर पाया लेकिन अब मैं वो कर सकता हूँ और ये समझे अगर वाइफ को लेके फिर बच्चों को लेके फैमिली को लेके जिनको भी जितना भी पॉसिबल होगा बाहर भी घुमाने का भी विदेश भी देगा तो कुछ ये गाँव और वहाँ बहुत बहुत थैंक यू।